जय गो माता की, जय गोपाल। हमेशा की तरह कल 16/10/2022 को सुबह गंगा शहर से घर की तरफ आ रहा था, तब भी देखा कि एक बाइक के पास एक व्यक्ति बैठा था। उसके चारों मेर 15-20 आदमी इकट्ठा हो रखे थे और आदमी को पूछ रहे थे, ज़्यादा लगी तो नहीं, ज़्यादा लगी तो नहीं। ठीक, मैं जाकर देखा तो आदमी ज़्यादा लगी नहीं थी, परंतु उसके पास ही एक कुत्ता था जो दर्द के कारण से तड़प रहा था भयंकर रूप से। वो पिछला वाला हिस्सा डैमेज हो गया पूरी तरह से, चल भी नहीं सका। वापस खड़ा होता, वापस गिर जाता, वापस खड़ा होता, वापस गिर जाता। लेकिन खास बात यह है कि उन 20 व्यक्तियों में इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ध्यान तो सबका गया, ध्यान दिया नहीं। तो उसके बाद तुरंत ही अपने पशु चिकित्सक हैप्पी जी को बुलाया, उन्हें दर्द कम करने के लिए एक टीका लगाया। फिर वो सारे व्यक्ति वहां से चले गए, उस आदमी को रवाना कर गए। कुत्ते के पास कोई नहीं है, ना उन्होंने सोचा कि इसको हॉस्पिटल ले जाएं, इसका इलाज करवाएं, किसी ने भी नहीं सोचा। कितनी शर्म की बात है। फिर अपना एपीजी ने एक बार तो दर्द कम करने के लिए टीका लगाया था कि इसको एक बार दर्द कम हो सके, हॉस्पिटल ले जाएं जब तक। उसके बाद अशोक जी, धोनी जी, एपीजी ने सब ने मिलकर टैक्सी बुलाई। टैक्सी बुलाकर कुत्ते को टैक्सी में डालकर अपना अस्पताल ले गए, वहाँ पर इलाज करवाया। ये देखो कुत्ते को इसमें टैक्सी में बिठाया। तुलसी तो बदमाशी कर रहा है क्योंकि दर्द था भयंकर रूप से और खड़ा भी नहीं हो सकता था। मन भी घबराया हुआ था कि देखो टक्कर ठोक दी। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि अपना वाहन धीरे चलाएं और ध्यान रख के चलाएं, क्योंकि अनमोल जीव के लिए एम्बुलेंस नहीं आती है। अनमोल जीव के लिए कोई रुकता नहीं है, अनमोल जीव की कोई मदद नहीं करता है। क्योंकि वो सारे आदमी चले गए, 20-25 आदमी थे, एक ने भी यहाँ पर आकर ऐसे रुका नहीं, भाई इसका मदद कर दें या किसी को सूचना दें, कोई भी नहीं रुका। तो दर्द तो इनके भी होता है, इनके शरीर में भी जान होती है। तो इसलिए अपना वाहन धीरे ध्यान से चले ताकि इंसान को भी चोट नहीं लगे और अनबोल जीव के भी चोट नहीं लगे। क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते, ये अस्पताल जा नहीं सकते, ना ये अपने जैसे इंसान का तो लगती है वो अपने परिवार को फोन कर देता है, दोस्त को फोन कर देता है, तो ये ना किसी को फोन कर सकते हैं। इनको तो अपन ले जाएंगे और इनकी भावना को समझेंगे और इनके दर्द को समझेंगे, तभी अपन इनकी मदद कर सकते हैं। ये देखो अपन वेटनरी अस्पताल ले गए थे बीकानेर, राजूवास पशु चिकित्सालय, वहाँ ले गए थे हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से टैक्सी करके। ये पे हाथ फेर रहे हैं ताकि थोड़ी घबराहट कम हो कुत्ते की। फिर अस्पताल के अंदर चेकअप करवाया तो एक बार तो बोला कि 2-3 दिन तो ट्रीटमेंट करो, उसके बाद एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे से पता चलेगा भाई क्या होगा। तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पीछे चेक कर तो चलो। तो ये एपीजी और अपने अशोक जी चला रहे हैं, काफ़ी थोड़ी बहुत चलाने के बाद वापस वहाँ अपने RCG का केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर इसको डॉग को भर्ती करवाया था। देखो एपीजी चला रहे हैं, फिर इसको कट्टे में रखकर वहाँ केंद्र में भर्ती करवा रहे हैं। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपना वाहन धीरे ध्यान से चलाएं ताकि अनुभव जीव के नहीं लगे। फिर कल 7/2 16/10/2022 को सुबह लंबी वार्ड गया तो वहाँ देखा कि एक घायल कबूतर था जिसको वहाँ के सेवादारों ने पहले पकड़ लिया और वहाँ पर दवाई भी पहले लगा दी। ये देखो ये गगन जी हैं जो कबूतर को पकड़ के चूका खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कबूतर को एक बॉक्स में पैक किया ताकि वहाँ पर अपन गौशाला में कबूतरों के लिए पक्षियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो ये बॉक्स में डाला, बॉक्स में खड्डे भी कर दिए ताकि सांस हवा आ सकते और जा सके। अपन सुमित है जो कबूतर को ये अंदर छोड़ रहा है ताकि इसे होने के बाद वापस उठा देंगे इसको। तो आप सभी से ये निवेदन है कि अनुभव जियो की, गोमाता की, गोवंशों की, सबकी मदद करिए, जितना उसके होते मदद करिए और अपना वाहन जरूर धीरे धीरे चलाएं। जय गोमाता की, जय गोपाल।